राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनका बेटा रोहित जोशी, ये अभी हाल ही के अंदर चर्चाओं के अंदर बने रहे हैं। लेकिन अगर हम बातचीत करें तो आप सभी को बता दूं कि आज एबीवीपी के द्वारा महेश जोशी की इस्तीफे को लेकर के मांग देखने को मिली है। मामला आप सभी को बता दूं कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप दर्ज है और इस एफआईआर को दिल्ली के अंदर दर्ज कराया गया, जबकि राजस्थान की पुलिस ने इसमें इतनी सक्रियता नहीं दिखाई क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के चलते हुए ही कांग्रेस के मंत्री के ही बेटे यह रोहित जोशी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। लेकिन यहां पर इस कांड को भवरी देवी कांड से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि हत्या की साजिश भी इसमें लगभग बताई जा रही है और इस पूरे मामले के अंदर अभी एबीपी के द्वारा इस्तीफे की मांग देखने को मिली है। क्या तो ये मामला था और किस प्रकार से एबीपी इस मांग को लेकर के प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में क्या यह प्रदर्शन धरने के अंदर तब्दील होगा, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट से। प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रोहित जोशी पर दिल्ली में दुष्कर्म के आरोप की जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब प्रदेश में लगातार इस मामले में विरोध देखने को मिल रहा है। भाजपा की ओर से जहां प्रदेश सरकार को लगातार गठघरे में खड़ा किया जा रहा है तो वहीं अब छात्र संगठन एबीवीपी भी मंत्री के इस्तीफे सहित आरोपी बेटी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के आवास के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया और गौरतलब तो यह भी है कि दो दिन पहले जयपुर की रहने वाली युवती में प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ में दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी और युवती के द्वारा रोहित जोशी पर दुष्कर्म करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करके मामले की जाँच के लिए सवाई माधोपुर पुलिस को भेजा था तो वहीं अब दिल्ली पुलिस द्वारा मामले में रेगुलर एफआईआर दर्ज कर खुद ही मामले की जांच का फैसला लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति भी इस पूरे मामले में अब गर्मा चुकी है।